हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ईएलएस न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुल विधानसभा सीटें हैं 243, जिसमें से किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन जाके क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही पार्टियां इसमें बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, आईएनसी और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी। और हाँ दोस्तों, आप कौन सी पार्टी को इनमें से सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बिहार की 243 सीटों में से। सबसे पहले चंपारण की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 9 में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है और आरजेडी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं सीहोर जिले की 1 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और इसी के साथ ही जेडीयू के खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए 243 सीटों में से बिहार की 22 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने है तो बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 8 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 3 सीटें और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सीता मंडी की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो आरजेडी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 45 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 5 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अररिया की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 62 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 20 सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 7 सीटें और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं मघेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडीयू के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार के 77 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 26 सीटें और जेडीयू के खाते में 8 सीटें और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 4 सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1-2 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है।
साथ ही बात करते हैं बिहार की 104 सीटों में से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी खाते में 54 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 36 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 11 विधानसभा सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सीवान। सीवान में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सारण की, 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं वैशाली की, 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और साथ ही आरजेडी खाते में 3 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 130 सीटों का ओपिनियन पोल, तो बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 48 सीटें और जेडीयू के खाते में 14 विधानसभा सीटें और आईएनसी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले के, तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बेगूसराय की, 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं खगड़िया की, 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 151 सीटों का ओपिनियन पोल, तो बीजेपी खाते में 73 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 56 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। तो साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बांका की, 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीयू के खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं मुंगेर की, 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बिहार की 166 सीटों में से बीजेपी खाते में 23 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 60 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आरजेडी, जेडीयू, आईएनसी और अन्य खाते में 0-0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं शेखपुरा की, 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और जेडीयू के खाते में 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं नालंदा की, 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार के 177 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 90 सीटें जा सकती है, यानी कि 90 सीटें जा चुकी है और आरजेडी खाते में 63 सीटें और जेडीयू के खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पटना। पटना में कुल विधानसभा सीटें हैं 14, जिसमें से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 5 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 2 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं भोजपुर की, 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बक्सर की, 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और जेडीयू के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 202 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 104 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 71 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 21 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं
रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और जेडीयू के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अरवल की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और जेडीयू के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 215 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 111 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 75 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 22 विधानसभा सीटें और आईएनसी खाते में 5 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है अरवल। अरवल में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और जेडीयू के खाते में 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं बिहार की 224 सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है, तो बीजेपी खाते में 113 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 80 विधानसभा सीटें और जेडीयू के खाते में 24 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 5 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गया। गया में 10 विधानसभा सीटें दी गई है, जिसमें से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही अगले जिला है नवादा। नवादा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 0 और जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की जम्मू की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से हमने 243 सीटों की पूर्ण ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 125 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 84 सीटें और जेडीयू के खाते में 26 विधानसभा सीटें और आईएनसी खाते में 6 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। तो दोस्तों आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, मिलते हैं गुरु।